मेथड आपके दो टाइप के हो सकते हैं, फर्स्ट मेथड इज एनालिटिकल मेथड एंड सेकंड मेथड इज न्यूमेरिकल मेथड। तो एनालिटिकल मेथड में जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आपका फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल आपको इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स डी एक्स कैलकुलेट करना होगा, तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, आपको पता होता है ये ई पावर एक्स होता है, ठीक है ना। तो एनालिटिकल प्रॉब्लम में आपका फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, मान लीजिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है ना। तो आप इसको ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और इसके रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर चूंकि आपका फॉर्मूला होता है, तो जो आपका आंसर आएगा वो एग्जैक्ट आएगा, ठीक है ना। तो जब आपका आंसर एग्जैक्ट आएगा तो उसमें कोई भी एरर नहीं होगी। तो इस टाइप के मेथड में आपका नो एरर होता है, ठीक है ना। लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये है इस मेथड की, आप इसकी इसको यूज करके आप एवरी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है ना। वी कांट सॉल्व एवरी प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आपको इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स स्क्वायर डीएक्स कैलकुलेट करना हो, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपको ई पावर एक्स स्क्वायर डीएक्स कैलकुलेट करना हो, तो इसके लिए कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है ना। तो आपको आप एनालिटिकल मेथड से इसको सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन इसको आप सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग न्यूमेरिकल मेथड। न्यूमेरिकल मेथड का अगर आप यूज करेंगे तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से इस प्रॉब्लम को आप एनालिटिकल मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, तो फिर आपको न्यूमेरिकल मेथड को यूज करना होगा, ठीक है ना। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, न्यूमेरिकल मेथड वर्क्स ऑन मच वाइडर रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। अब न्यूमेरिकल मेथड भी आपके दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है एग्जैक्ट मेथड। अब एग्जैक्ट मेथड में आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा तो वहां पर आपकी कोई एरर नहीं होगी, ठीक है। सेकंड हो जाएगा ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड जैसे कि आपको नाम से पता पड़ रहा है, इसमें ट्रायल एंड एरर मेथड में आपके पास एक प्रॉब्लम होगी और आप उसमें इटरेशंस लगा करके उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। लेकिन चूंकि ये आपका एक अप्रोक्सीमेट मेथड है, तो यहाँ पर जो आपको आंसर मिलेगा वो अप्रोक्सीमेट मिलेगा, ठीक है ना। तो अप्रोक्सीमेट मिलेगा तो आपका आंसर भी अप्रोक्सीमेट होगा, ठीक है ना। तो अप्रोक्सीमेट आंसर होगा तो उसमें आपकी कुछ एरर्स भी होंगी, ठीक है ना। तो इस मेथड में, ट्रायल एंड एरर मेथड में, आपको टॉलरेबल एरर को डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है ना। टॉलरेबल एरर वो एरर होगी जितना आप टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब आंसर में आप कितनी एरर को टॉलरेट कर सकते हैं, तो आप उतने इटरेशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे जिसके बाद आपका जो आंसर है उसमें जो एरर होगी वो अंडर टॉलरेबल लिमिट हो। अब जैसे कि इस एग्जांपल को देखिए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ax इज इक्वल टू b, ठीक है ना। इसको कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, जैसे कि फर्स्ट मेथड है आपका मैट्रिक्स इनवर्स मेथड। आप इसको डायरेक्टली मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट करके इसको ax इज इक्वल टू इनवर्स b से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये मैट्रिक्स इनवर्स वाला जो मेथड है, ये आपका एनालिटिकल मेथड है, ठीक है ना। ये आपका एक एनालिटिकल मेथड, या क्रेमर रूल से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को आप क्रेमर रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये भी आपका एक एनालिटिकल मेथड है। या फिर एक और मेथड होता है ट्रायंगुलराइजेशन मेथड। इसके दो वर्जन होते हैं, क्राउट्स मेथड एंड डूलिटल मेथड, ठीक है ना। तो ये ट्रायंगुलराइजेशन मेथड जो होता है, आपका एक एग्जैक्ट मेथड होता है, तो यहाँ पर आपका कोई एरर नहीं होगी, आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा, ठीक है ना। लेकिन ये आपका एक न्यूमेरिकल मेथड होता है, आपका एक न्यूमेरिकल मेथड के अंदर ही आपका एक एग्जैक्ट मेथड होता है। नेक्स्ट देखिए गॉस एलिमिनेशन मेथड। गॉस एलिमिनेशन भी आपका एक एग्जैक्ट मेथड है, तो यहाँ पर भी आपके आंसर में कोई एरर नहीं होगी। लेकिन आपका नेक्स्ट मेथड देखिए गॉस सीडल इटरेटिव मेथड, ठीक है ना। जैसे नाम से ही पता पड़ रहा है, इटरेटिव मेथड। तो ये आपका एक ट्रायल एंड एरर मेथड है, ठीक है ना। इसमें आप इटरेशन से लगाएंगे और आप अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो इस मेथड में आपका जो आंसर मिलेगा वो अप्रोक्सीमेट मिलेगा, तो उस आंसर में कुछ आपका एरर्स होंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि हम देख रहे हैं, आपका न्यूमेरिकल मेथड जो है वो आपका वर्क करता है मच वाइडर रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जाम्पल, देर आर नो एनालिटिकल सोल्यूशन अवेलेबल फॉर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 और मोर, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपका पॉलिनोमियल की डिग्री 4 और मोर है, तो आपका उस केस में कोई एनालिटिकल मेथड एग्जिस्ट नहीं करता है। वेयर एज न्यूमेरिकल मेथड्स कैन बी यूज टू सॉल्व पॉलिनोमियल इक्वेशंस ऑफ एनी डिग्री, ठीक है ना। आप कोई भी डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन लीजिए, उसको आप न्यूमेरिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस कैन ऑल्सो बी यूज ऑन लीनियर एज वेल एज नॉन लीनियर इक्वेशंस। आपका जो लीनियर इक्वेशन है या नॉन लीनियर इक्वेशन है, फॉर एग्जाम्पल एक्स इज इक्वल टू बी, आपका क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस था। तो लीनियर एज वेल एज नॉन लीनियर दोनों पर आपका ये वर्क करता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, ट्रायल एरर मेथड जो होता है वो एक अप्रोक्सीमेट मेथड होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो भी आपका एक अप्रोक्सीमेट आएगा, तो उसमें कुछ एरर्स होगी। अब देखिए आपको एग्जैक्ट आंसर तो पता नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इनिशियली कोई एक वैल्यू को गैस कर लेंगे, ठीक है ना। एक वैल्यू गैस कर लेंगे, उसके बाद में आप इस मेथड को अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो ये मेथड क्या है, आपका इटरेटिव मेथड है। तो हो सकता है कि मान लीजिए आपका फर्स्ट इटरेशन के बाद आपका आंसर 1 आता है, मान लीजिए, ठीक है ना। आप कुछ इनिशियल वैल्यू गैस करेंगे, उसके बाद में इसे इटरेटिव मेथड को लगाएंगे और फर्स्ट इटरेशन के बाद मान लीजिए आपका आंसर 1 आता है, और मान लीजिए आप सेकंड इटरेशन लगाने के बाद मान लीजिए आपको आंसर 2 मिला। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों आंसर्स का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे और एरर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि आप क्या मानेंगे, आप ये मान लेंगे कि ये आंसर आपका एग्जैक्ट है और ये आंसर आपका अप्रोक्सीमेट है। तो एरर क्या होता है, एरर होता है आपका एग्जैक्ट
एग्जैक्ट आंसर माइनस एप्रोक्सीमेट आंसर, ठीक है ना। तो इसको एग्जैक्ट मान लेंगे, इसको एप्रोक्सीमेट मान लेंगे, एग्जैक्ट माइनस एप्रोक्सीमेट इज इक्वल टू एरर, तो आप ये एरर को आप कर लेंगे, ठीक है ना। और इस मेथड को जब भी आप लगाएंगे तो वहां पर एक टॉलरेबल एरर आपको गिवन होगी। मान लीजिए कि टॉलरेबल एरर है आपका ईटी, ठीक है ना। ईटी क्या है आपका? टॉलरेबल एरर, मतलब आप इतनी एरर को टॉलरेट कर सकते हैं। अगर आपके सॉल्यूशंस में इतनी एरर है, ईटी एरर है, तो वो आपके टॉलरेबल है, ठीक है ना। फिर मान लीजिए कि आपने i3 इटरेशन लगाया तो आपको आंसर मिलेगा आंसर 3, फिर आप इन दोनों का डिफरेंस सेपरेट करेंगे, ठीक है ना। तो यहां मान लीजिए एरर थी e1, इसमें मान लीजिए एरर थी e2, फिर मान लीजिए आपने i4 लगाया, यहां मिला आपको आंसर 4, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप डिफरेंस कैलकुलेट कर करके, ठीक है ना, आंसर 4 माइनस आंसर 3 करेंगे तो आपको e3 मिल जाएगा, ठीक है ना। ये एरर्स को आप कैलकुलेट करेंगे। तो अगर मान लीजिए आपकी जो प्रॉब्लम थी उसका नेचर कन्वर्जिंग है, ठीक है ना, कन्वर्जिंग का मतलब है कि आप आंसर की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, जैसे जैसे आप इटरेशंस लगाते जाएंगे वैसे वैसे आप आंसर की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। तो अगर आपकी प्रॉब्लम कन्वर्जिंग है तो उस केस में हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो एरर्स हैं ये आपका डिक्रीज होगी, ठीक है ना। हम ऐसा बोल सकते हैं कि e1 से छोटा होगा e2, e2 से छोटा होगा e3, अगर आपकी प्रॉब्लम कन्वर्जिंग है। कन्वर्जिंग होगा तो सॉल्यूशन जो है वो एग्जैक्ट आंसर की तरफ अप्रोच करेगा। तो जब भी आपकी एरर अंडर टॉलरेबल लिमिट आ जाएगी आप वहां पर इसको स्टॉप कर देंगे, ठीक है ना। मान लीजिए कि आपका E5 के बाद में आपकी जो एरर है वो अंडर दिस टॉलरेबल लिमिट है, E5 इज लेस देन ईटी, तो आप आफ्टर फिफ्थ इटरेशन इसको स्टॉप कर देंगे। एरर्स, अब देखिए एरर्स आपकी दो टाइप की हो सकती है। फर्स्ट वन इज राउंड ऑफ एरर, ठीक है ना। तो राउंड ऑफ एरर आपको तब मिलेगी जब आप आपके पास लिमिटेड स्पेस अवेलेबल होगा, ठीक है ना। तो ये राउंड ऑफ एरर आपको एक्चुअली मेंटिसा पार्ट की वजह से आती है, ठीक है ना। राउंड ऑफ एरर तो आती है आपके मेंटिसा पार्ट की वजह से आती है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए हम आपसे कहें कि आपको 1/3 को स्टोर कराना है, तो 1/3 की वैल्यू होती है 0.333 अप टू इनफिनाइट टाइम। तो आप इनफिनाइट टाइम तो कंप्यूटर में स्टोर करा नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है ना। सिग्निफिकेंट डिजिट लेकर के आप इसको राउंड ऑफ कर देंगे, क्योंकि इनफिनाइट टाइम तो आप इसको स्टोर करा नहीं सकते। इसी तरीके से रूट टू को देखिए, रूट टू भी आपका इनफिनाइट बन जाएगा, उसको भी आप स्टोर नहीं करा सकते, ठीक है ना। तो आपके पास क्या है, लिमिटेड स्पेस अवेलेबल है, ठीक है ना। तो मेंटिसा पार्ट की वजह से आपका ये राउंड ऑफ एरर आएगी, क्योंकि आप नंबर को क्या कर देंगे, राउंड कर देंगे, तो उसकी वजह से आपकी एरर आएगी। सेकंड जो एरर है वो है आपका ट्रंकेशन एरर। ट्रंकेशन एरर तब आएगी जब मान लीजिए आपकी कोई इनफाइनाइट टर्म की सीरीज है, और उस इनफाइनाइट टर्म की सीरीज को आप सेव तो करा नहीं सकते, तो आप उसको फाइनाइट टर्म तक की एज्यूम करके आप उसको सेव कराएंगे, ठीक है ना। तो वहां पर आपकी जो एरर आएगी वो ट्रंकेशन एरर आएगी। तो ट्रंकेशन एरर आपकी बेसिकली ट्रायल एंड एरर मेथड में आएगी, वो ड्यू टू एजम्पशन आएगा, ठीक है ना। जैसे कि आपने एज्यूम क्या किया हुआ है कि आपकी जो ये इनफाइनाइट टर्म है, अगर आप उसको इतने टर्म तक लिमिटेड कर देंगे, ठीक है ना, तो आपका जो एरर है वो अंडर टॉलरेबल लिमिट आ जाएगा। एजम्पशन की वजह से जो आपका एक ट्रंकेशन एरर आएगा, ठीक है ना। अब जैसे कि इसी फंक्शन को देखिए, y इज इक्वल टू fx, ठीक है ना। ये आपका फंक्शन है y इज इक्वल टू, और मान लीजिए आपको ये एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो एरिया होगा ये आपका एक्चुअल आंसर होगा, ठीक है ना। ये पॉइंट्स क्या है आपके, 1 एंड 3। तो 1 एंड 3 में आपको इस अंडर दिस पॉइंट 1 एंड 3 आपको इस फंक्शन का एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो हो सकता है कि मान लीजिए आप ये फंक्शन काफी कॉम्प्लेक्स हो और आप इसका एरिया कैलकुलेट ना कर पाए, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो आपका जो फंक्शन था या ये जो कर्व है ये आपका एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। तो इसको एज्यूम कर लिया कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। तो अगर आप इसको स्ट्रेट लाइन एज्यूम कर लेंगे तो फिर आपका इक्वेशन ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि आप एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं आप, ट्रिपजोनल का एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि ट्रिपजोनल का एरिया तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं, ठीक है ना। तो इस ट्रिपजोनल का जो आंसर आएगा हम एज्यूम कर लेंगे तो वही आंसर आपका एक्चुअल आंसर होगा, ठीक है ना। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी कुछ एरर आ जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि कर्व आपका स्ट्रेट लाइन तो था नहीं, वो जो कर्व था वो आपका स्ट्रेट लाइन नहीं था, लेकिन आपने उसको स्ट्रेट लाइन एज्यूम करके अपना आंसर कैलकुलेट किया, ठीक है ना। तो इस अजम्पशन की वजह से या इस अप्रोक्सीमेशन की वजह से आपकी यहाँ पर कुछ एरर आ जाएगी, तो उसी एरर को बोला जाता है ट्रंकेशन एरर, ठीक है ना। तो ये जो है आपकी ये ट्रंकेशन एरर है। यहाँ पर एक बात और नोट कीजिए, अगर इस इंटरवल को हम छोटा कर देते हैं, इस इंटरवल को हम छोटा कर देते हैं, जैसे कि देखिए ये आपका भी सिंगल इंटरवल है, लेकिन मान लीजिए कि हम इस इंटरवल को हाफ में ब्रेक कर देते हैं, ठीक है ना। अब इंटरवल हो जाएंगे आपके दो, ये पहला इंटरवल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका सेकेंड इंटरवल, ठीक है। तो आप जो स्ट्रेट लाइन हम एज्यूम करेंगे वो एज्यूम करेंगे स्ट्रेट लाइन आपकी ये हो जाएगी, ठीक है ना, ये आपकी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। अब जो आप ट्रिपजोडल का एरिया कैलकुलेट करेंगे वो आपके दो ट्रिपजोडल हो जाएंगे, बेसिकली ये आपका फर्स्ट ट्रिपजोडल हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा सेकंड ट्रिपजोडल। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं वो जो एरर थी वो आपकी एरर अब कम हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि जो आप ट्रंकेशन एरर होगी वो अब क्या होगी, जो ट्रंकेशन एरर होगी वो अब ये वाली एरर होगी, ठीक है ना, ये आपकी ट्रंकेशन एरर होगी। तो आप जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर आपने इस
इंटरवल को ब्रेक कर दिया, ठीक है ना, आपने स्मॉल स्मॉल इंटरवल लिए हुए हैं तो आपकी ट्रंकेशन एरर क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है ना। तो जितना आप इसको स्मॉल इंटरवल में ब्रेक करेंगे उतनी ही ट्रंकेशन एरर आपका कम आएगी, ठीक है ना। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि ट्रायल एंड एरर मेथड में आप टॉलरेबल एरर को डिफाइन करेंगे, तो जब भी आपकी एरर अंडर टॉलरेबल लिमिट आ जाएगी आप वहां पर स्टॉप कर देंगे, ठीक है ना। तो आप जैसे जैसे इंटरवल को आप ब्रेक करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी ट्रंकेशन एरर कम होती जाएगी, ठीक है। अब जैसे कि एरर आपकी क्या होती है, एरर आपकी होती है एग्जैक्ट माइनस एप्रोक्सीमेट। तो देखिए एरर आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। हो सकता है कि आपका आंसर एग्जैक्ट आंसर हो तो वहां पर एरर आपका जीरो हो जाएगी, या आपने जो कैलकुलेट किया है वो एग्जैक्ट आंसर से ज्यादा भी हो सकता है, तो उसके से बोले कि ओवर एस्टिमेट, यानी आपने जो आंसर एस्टिमेट किया है वो एग्जैक्ट से ज्यादा है, ठीक है ना। तो ओवर एस्टिमेशन के केस में क्या होगा, ओवर एस्टिमेशन के केस में एप्रोक्सीमेट आंसर की वैल्यू ज्यादा होगी, एग्जैक्ट वैल्यू आपकी कम होगी, ठीक है ना। तो ओवर एस्टिमेशन के केस में एरर आपकी नेगेटिव होगी, एरर आपका नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि एप्रोक्सीमेट आंसर क्या होगा, एग्जैक्ट से ज्यादा होगा। अंडर एस्टिमेशन में क्या होगा कि जो आप आंसर कैलकुलेट कर रहे हैं उसकी वैल्यू एग्जैक्ट से कम होगी, ठीक है ना। जो आंसर आप कैलकुलेट कर रहे हैं एप्रोक्सीमेट आंसर की वैल्यू एग्जैक्ट से कम होगी, ठीक है ना। तो अंडर एस्टिमेशन के केस में एग्जैक्ट बड़ा होगा एप्रोक्सीमेट छोटा होगा, तो हम ये सपोज करते हैं कि एरर आपका क्या होगा, उसके एरर आपका पॉजिटिव होगा। जैसे कि इसी केस में बताइए, इस केस में आप जो एस्टिमेट कर रहे हैं आंसर वो ओवर एस्टिमेशन है या अंडर एस्टिमेशन है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है ये अंडर एस्टिमेशन का केस है, ठीक है ना। आपका जो एप्रोक्सीमेट आंसर है वो एग्जैक्ट आंसर से कम है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो आपका एग्जैक्ट आंसर है, एग्जैक्ट आंसर इज ग्रेटर देन एप्रोक्स आंसर, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एरर आपका ग्रेटर देन जीरो होगी, इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर एरर आपकी क्या होगी, एरर आपकी पॉजिटिव होगी। तो अगर आपकी एरर पॉजिटिव है इसका मतलब वो कौन सा केस होगा, वो अंडर एस्टिमेशन वाला केस होगा, आपका जो आंसर है वो एग्जैक्ट से कम होगा, ठीक है ना। अब ओवर एस्टिमेशन के केस देखते हैं, तो मान लीजिए कि जो आपका कर्व है वो कुछ इस टाइप का है, ठीक है ना, और जो आपको एरिया कैलकुलेट करना है वो मान लीजिए आपका एरिया है 1, 2, 3, ठीक है ना, इस पॉइंट के बीच में आपको एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। ये मान लीजिए आपका फंक्शन है y=fx, ठीक है ना। तो आपको जो ये देख रहे हैं इस एरिया को आपको कैलकुलेट करना है, लेकिन मान लीजिए ये फंक्शन जो है आपका काफी कॉम्प्लेक्स है, तो मान लीजिए इसको सिंप्लीफाई करके हमने स्ट्रेट लाइन एज्यूम कर लिया, तो अब जो आपका एरिया हो जाएगा वो आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब जो आंसर आप कैलकुलेट करेंगे वो आपका आंसर ये हो जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, आपका जो आंसर आ रहा है वो ओवर एस्टिमेटेड है, ठीक है ना, यानी इसकी वैल्यू जो होगी वो एग्जैक्ट से ज्यादा होगी। तो इस केस में हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपका जो एप्रोक्स आंसर होगा ज्यादा होगा किससे, एग्जैक्ट से, ठीक है ना। तो एग्जैक्ट वैल्यू कम होगी और एप्रोक्सीमेट वैल्यू आपकी इस केस में ज्यादा होगी। तो यहाँ पर एरर किस टाइप से आप लिख सकते हैं, एरर होता है आपका एग्जैक्ट माइनस एप्रोक्सीमेट, ठीक है ना। तो एरर आपका आप ऐसा बोल सकते हैं कि एरर आपका यहाँ पर नेगेटिव होगी, ठीक है ना। तो एरर जो होगी वहाँ पर लेस देन जीरो होगी, इसका मतलब जो एरर है वो अगर आपके एरर नेगेटिव में है या लेस देन जीरो है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आप वहाँ पर ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं, आपका जो आंसर है वो एक्चुअल से ज्यादा होगा, एग्जैक्ट से ज्यादा होगा। मुझे ये बताइए कि यहाँ पर आपका ये एब्सोल्यूट एरर बेटर है या रिलेटिव एरर बेटर है, कौन सी एरर एनालिसिस बेटर है, आप किसी प्रॉब्लम के लिए एब्सोल्यूट एरर यूज करेंगे या रिलेटिव एरर यूज करेंगे। तो ये आप याद रखिएगा कि ये आपका प्रॉब्लम पर डिपेंड करती है कि आपको एब्सोल्यूट एरर यूज करना है या रिलेटिव एरर यूज करना है। मान लीजिए हम आपसे कहते हैं कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया और हमारे एक्सपेरिमेंट में जो एरर है वो मान लीजिए कि 10^-20 ऑर्डर की है, 10^-20 ऑर्डर की है, ठीक है ना। तो देखने से आपको लग रहा होगा कि ये एरर तो काफी स्मॉल है, ठीक है ना, नेग्लिजिबल एरर है, ठीक है ना। लेकिन अभी हमने अपना प्रॉब्लम साइज डिफाइन नहीं किया, ठीक है ना, प्रॉब्लम साइज अभी हमने डिफाइन नहीं किया, तो आप इस एरर को देख करके ये नहीं बता सकते हैं कि एरर काफी स्मॉल है। मान लीजिए कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट था वो इलेक्ट्रॉन के मास पर था, अब आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, काफी स्मॉल होता है, विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन मास आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये एरर टॉलरेबल नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मास के रिस्पेक्ट में तो ये काफी बड़ी एरर होगी। तो अगर आप की प्रॉब्लम का साइज बहुत बहुत स्मॉल है तो उस केस में हम रिलेटिव एरर का यूज करेंगे, क्योंकि रिलेटिव एरर जो है वो प्रॉब्लम साइज से इंडिपेंडेंट होती है, क्योंकि आपने यहाँ पर क्या किया, इसको प्रॉब्लम साइज से डिवाइड कर दिया। प्रॉब्लम साइज से जब आपको डिवाइड कर देंगे तो आपको एग्जैक्ट एरर का एक आइडिया लग जाएगा।